वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक टेस्टी रेसिपी जिसका जायका और खुशबू एक अलग पहचान है, चिकन महारानी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1/2 लेमन जूस और 1/2 कप दही। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। इसे ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है, बस लगा के रख देंगे जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन महारानी का स्पेशल मसाला भून लेते हैं, जिसमें है 6 से 7 ड्राई रेड चिली, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। गैस की फ्लेम को हमने स्लो पे रखा है, अब स्लो पे हम इसे भून लेंगे। इसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 4 लौंग, 2 काली इलायची, 4 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1/2 बादियान फूल और 1 जावित्री। अब इन सारे मसालों को खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। इसके बाद में हम काली इलायची का इस तरह से छिलका निकालेंगे और इसे ठंडा होने पर पीस लेंगे। तो इस तरह से पीस लेंगे, इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पे 6 हरी मिर्च ली हुई है, 15 बादाम और 15 काजू, इसे भी पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से मसाले पीस लेने के बाद यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल लिया हुआ है। ऑयल गर्म होने पर 4 हरी इलायची और 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते ऐड करके मिक्स करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की चॉपकी हुई प्याज लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक गला लेंगे। बस इस तरह से सॉफ्ट होने तक ही गलानी है, इसका कलर नहीं चेंज करना है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से चिकन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे काजू बादाम और हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ ड्राई मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे हम स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पका लेंगे। बीच बीच में चेक करेंगे क्योंकि काजू बादाम का पेस्ट से बीच में लगे ना। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट पकाने के बाद चिकन हमारा गल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मलाई, इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक चेक करेंगे। पहले भी नमक ऐड किया हुआ है हमने, आप 1/2 टीस्पून और ऐड किया। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3/4 कप 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और कवर करके फिर से 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। तो इस तरह से चिकन को हमने पका लिया। तो ग्रेवी की थिकनेस इस तरह से रखेंगे क्योंकि काजू बादाम का पेस्ट है और ग्रेवी थिक होती जाएगी। तो इस स्टेज पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम कस्तूरी मेथी। इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन महारानी हमारा रेडी हो चुका है। इसे आप नान, पराठों, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको हमारे चिकन महारानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।